हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिन्हाज वंस अगेन। आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने आ गए हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसा रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसके बगैर कोलकाता का हर एक सेलिब्रेशन, चाहे वेडिंग पार्टीज़ हो, बर्थडे पार्टीज़ हो, रिसेप्शन हो, अधूरा होता है। आज हम आपके साथ कोलकाता स्पेशल चिकन चाप रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। कोलकाता स्पेशल चिकन चाप बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए। ये मैंने चिकन लिया है करीब 750 ग्राम। चिकन लेग पीस और थाई पीस अटैच्ड होना चाहिए। मैंने चिकन में देखिए स्लिट्स लगा लिए हैं ताकि मैरिनेट इसमें अच्छा से जा सके मसाला। इसके अलावा चाहिए हमें एक मीडियम साइज प्याज, लहसुन, 1 इंच करीब अदरक, 4 हरी मिर्च, इसमें काजू 1 चम्मच टेबलस्पून, मगज 1 टेबलस्पून और पोस्तो 1 टेबलस्पून। इनको मैंने धो के फुला के रखा हुआ है। 1 कटोरी दही, केवड़ा जल, घी, गुलाब जल और मसाला में 2 चम्मच सत्तू चाहिए, 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून गरम मसाला। अब मैं इस फुलाए हुए काजू, पोस्तो और मगज का एक पेस्ट बना लेती हूँ और इन सब मसालों को मिला के एक पेस्ट बना लेती हूँ। मैंने जो पेस्ट बना लिया है वो पेस्ट में ले लेती हूँ। ये प्याज का पेस्ट है, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा। ये काजू, मगज और पोस्तों का पेस्ट। इसी में मैं दही मिला लेती हूँ। और इसी में सारे मसाले मिला लेती हूँ। इसमें सत्तू, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, चीनी और गरम मसाला। गरम मसाला का रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मैं 1.5 चम्मच केवड़ा एसेंस मिला रही हूँ, केवड़ा जल। और 1 चम्मच गुलाब जल मिला रही हूँ। अब इन सभी को अच्छे से फेंट लूंगी। इसमें 1 चम्मच घी मिलाएंगे। घी मिला के इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। घी मिलाने से ये होता है कि चिकन में मसाला बहुत अच्छी तरह से चिपकता है। अब मैं चिकन को इस मसाले में डाल दूंगी
और अच्छे से मसाला में मसाला इस पे लगाऊंगी। देखिए चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया मसाला में। इस चिकन को आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो मिनिमम 1 से 1.5 घंटा भी आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें करीब 50 ग्राम घी ऐड करती हूँ। और इसमें थोड़ा सा तेल भी मिलाती हूँ, करीब 3 चम्मच। घी गर्म हो गई है। अब एक एक करके किचन चीज हम इसमें डालेंगे। इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम हाई पर रखना है। पीसेस को अलग पलट के लाल एक तरफ से थोड़ा सा लाल हो जाने से इसको पलट देना है। ऐसे ही बैचेस में हम चिकन को फ्राई करेंगे। अब हम इसको पलट देते हैं। देखिए एक तरफ से ये हल्की लाल हो गई है, ऐसे ही इसको दूसरे तरफ से भी लाल करना है। इस तरह से भी ये इसके कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल देंगे। अब इनको पलट देते हैं। देखिए एक तरफ से ये थोड़ी लाल हो चुकी है। बचे हुए घी में अब हम सारे मसाला डाल देंगे। अब इस मसाला को थोड़ा सा पका लेते हैं। मसाला को हमने 2-3 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें चिकन पीसेस ऐड कर देते हैं। चिकन चाप एक स्लो कुकिंग प्रोसेस है। अब देखिए हमने गैस को एकदम सिम कर दिया है।
पीसेस के ऊपर मसाला डाल देते हैं। चाप एक स्लो कुकिंग प्रोसेस है। अब हम इसको ढक के एकदम धीमी आंच पे 8 से 10 मिनट पकाएंगे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन चाप बनके तैयार है। इसको मैंने बीच बीच में 2 बार खाली चला दिया था, आप भी बनाने समय इसको धीरे से चला दिया कीजिए ताकि मसाला नीचे सटे नहीं। चिकन चाप तैयार है। लीजिए तैयार है चिकन चाप। इसे आप रोटी, नान किसी के साथ खाइए, लेकिन ये सबसे अच्छा जाता है मटन बिरयानी। कॉम्बिनेशन है मटन बिरयानी चिकन चाप।